आपको। आप स्मोक ही दिखेगा वो लैंड करा दिया, बताओ तो सही भाई ये कहाँ जा रहा है भाई। उतर भाई गेट नहीं नहीं आ रहा वहाँ अंदर, यहाँ गन पड़ गया थोड़े लॉक में चेक जट कर मैं थोड़ी देखो लॉक भाई 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 वेलकम टू आवर न्यू वीडियो पबजी मोबाइल के एक और बहुत ही बेहतरीन गेम प्ले में आप सभी का स्वागत है। और साथ में है गोल्डन मिरेडो। यार अपडेट आया मेरे को पता है एक दो दिन हो चुके, बट मैं थोड़ा सा लेट हूँ, इस चीज़ का कोई रीज़न नहीं बिकॉज समथिंग काम की वजह से, बट कोई बात नहीं, आज आपको पूरा का पूरा इंजॉय, इसको लूटना गोल्डन मिरेडो को और उठा के भागना। और भाई साहब इतने बंदे आते हैं ना यहाँ पे, मतलब जिसकी कोई हद नहीं, हर बंदा ये चाहता है मेरे को गोल्डन मिरेडो मिले, मेरे को गोल्डन मिरेडो मिले, ऐसा सीन चल रहा है पबजी के अंदर। मैं मान लिया दो तीन दिन से पबजी खेला ही नहीं हूँ, बट आज खेला तो भाई साहब टीममेट बोले भाई कुछ हो जाओ इसको लूट के लेके चलना है। मैं चलो देखी जाएगी जो होगा, और फिर तुम सब देखना कि भाई कितनी ही तबाही मचती है, कितने बंदे आते हैं यहाँ पे, बिकॉज पूरे मिरामर मैप में सिर्फ एक मिरेड होती है और इसके पीछे पूरे के पूरे 97 बंदे जो कि इस गेम के अंदर है। अब देखो तुम चारों तरफ कोहरा ही कोहरा बंद होगा। मैं आगे मिलूंगा ठीक है, मैं फॉलोवर के पीछे रह गया, गेट पर बैठ गया, आ जा बैठ गया, बैठो भागो 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 भागो। भाई मैं देखो कैसे बैठा, मेरे सर पे ना एक टोपी ना ही बाल है। और भाई ये मिरेडो लेके कैसे ना कैसे करके हम भाग गए। और भाई इसकी स्पीड क्या ही स्पीड है, मतलब जैसे वो रेसिंग बाइक और रेसिंग कार नहीं होती, एक दो सेकंड के अंदर फुल स्पीड से बूस्टअप से पूरा मार जाती हैं, वैसा वाला सीन भाई ये गाड़ी, मतलब और क्या ही, मतलब अलग ही मज़े। बिकॉज यार मेरा पहला गेम था, पहला दूसरा ही गेम था, तो मेरे को अलग मज़े आ रहे थे, आपको तो शायद खेलते दो तीन दिन हो चुके, बिकॉज जैसा कि मैं बता रहा दो तीन दिन से नहीं खेल रहा हूँ पबजी। तो यहाँ पे इस साइड आए बिकॉज हमें भाई पहले थोड़ी बहुत लूट करनी थी, वहाँ पे तो इतनी युद्ध लड़ाई मच चुकी थी ना, पूरा रामायण जैसा हाल था, चारों तरफ 100-200 बंदे। और भाई हमने इस साइड थोड़ी बहुत लूट की, मतलब धीरे 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 जितनी हम लूट सकते थे, 5-7 घरों में हमें एक एक गन भी मिल जाती तो हमने सोचा घुस जाएंगे और उनको आराम से मार देंगे, बिकॉज भाई वो डैमेज होंगे, वहीं पे भी तो दो तीन ही घर हैं, उन घरों से उनको कितनी लूट मिल जाएगी। तो यहाँ पे मेरे को UMP वगैरह मिल गई, तो मैं अपनी गड्डी लेके मैंने कहा आ जाओ, अब इससे ज़्यादा इंतजार नहीं होता और निकलते हैं वापस। तो हम पूरी अपनी गड्डी की स्पीड लगा के और वापस के वापस उनके पास पहुंच गए, और ये गड्डी थोड़ी अलग ही नशे में। और यहाँ पे आके भाई मैंने स्टार्ट कर दी बोट फायरिंग, मैंने अपने टीममेट को कहा भाई बैठे रहो और बस बोट फायरिंग का इंतज़ार करो और ये आ ही जाएंगे, पक्की गारंटी है। बोट फायरिंग में बंदे फंस ही जाते हैं, नॉर्मल सी बात है, कुछ अलग ही जिसमें कम्पिटिटिव वाले प्लेयर हैं वो तो थोड़ा नहीं बचता। बैठे काट दिया, काट दिया और भाई जब इन बंदों का बूम बम क्लासिक करने के बाद, मतलब जिन्होंने जो भी लूटा था ना, कोई छोटी मोटी M4 सब कुछ मैंने आराम से उठा लिया, क्योंकि भाई लूट चाहिए थी, लूट के बिना कोई फ़ायदा नहीं है ज़्यादा। तो हमने पूरा आराम से लूटा यहाँ का और फिर अपनी गोल्डन मिरेडो लेके निकल पड़े, और कोई चारा भी नहीं था, निकलना ही पड़ेगा बिकॉज यहाँ पे बंदे और तो होंगे नहीं, क्योंकि इन्होंने सब ने मार दिए। और जो पहला बंदा बोट फायरिंग में फंसा, और यहाँ पे गाड़ी फंस जाएगी, अभी देखना जैसे ही हम यहाँ से लेके निकलते हैं पूरी गाड़ी जाएगी भाई गाड़ी के ऊपर। चाल लगा भाई, रुको रुको ऐसे धक्का मारने से निकल जाती है, ऐसे ऐसे आगे धक्का मारो एक तो।
और एट द एंड भाई काफी मतलब जंदोजहद और इधर उधर करने के बाद गाड़ी आराम से निकल गई और हम यहाँ से चल दिए। अब चलना था हमें पिकाडो की तरफ, बिकॉज बंदे मैक्सिमम मतलब वही बात है जैसे अपने इरेंगल का होड्रो पोचिंग की नोवो जॉर्जपुल है, वही यहाँ का है पिकाडो। तो पिकाडो में गारंटी है कि 1, 2, 3, 4, 5 स्क्वाड मिल ही जाती हैं आराम से। बट हमें रास्ते में ही बंदे मिल गए, मतलब हम गड्डी लेके पूरा भाग रहे थे, हमारे आगे पीछे चारों तरफ से मतलब फायरिंग होने लगे अलग अलग स्क्वाड। वो मार रहे हैं गाड़ी से, कर लो इनको पे और मार रहे हैं और भाई ये सामने वाले जो बंदे थे इन्होंने किसी को मारा और ये लूट ही कर रहे थे, इनको पता भी नहीं था कि पीछे से इनका साथ स्कैम हो जाएगा। शायद दो बंदे जो और फायर कर रहे थे इसी की स्कैड के थे, बस वो कंपाउंड दूसरा लूट कर रहे थे और भाई साहब इनके साथ हो गया तकड़े वाला स्कैम। और तभी एक बोट है या पता नहीं बंदा ही मेरे को नजर आता है, तो इसको देखो मैं कैसे लपेटता हूँ। ये मेरे को पता नहीं बंदा था बोट था, बिकॉज इसका इंडिया का फ्लैग था तो ये बोट तो नहीं था मेरे हिसाब से, जहाँ तक मुझे पता है बंदा ही था। बट पता नहीं कैसे बोट वाली हरकतें कर रहा था और मर गया। और यहाँ पे हम मारने के बाद भाई हमने सोचा जो फायर कर रहे हैं उनके पास जाता हूँ, और मेरे को तो इन्होंने सस्ता ड्राइवर समझ रखा है, गाड़ी मैं ही चलाऊँ, ये पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं, इनको कोई लेना देना नहीं है। तो मैं कहता हूँ बैठो गाड़ी के अंदर और इधर से निकलते हैं, बिकॉज यहाँ पर तकड़ी भाई स्कैम हो सकता है भाई। मेरी ब्रेक हो गया, मेरा लग गए सर्वर रीकनेक्ट। और ये बंदा जो अभी मारा भाई, इसका मेरे को खुद को समझ नहीं आ रहा बोट था क्या, इसके अलग ही नशे, मतलब बस चक्री काट रहा है, मार नहीं रहा, मार भी रहा है बट पता नहीं किसको, जमीन को ही मार रहा था। तो मैंने अपने टीममेट से कहा भाई यहाँ से भी निकलो, यहाँ पे भी कोई फायदा नहीं है, और अपनी गोल्डन मिराटो पेड़ से टकराई और इससे निकलने का धुआं भाई, मतलब हमारी गाड़ी की ऐसी तैसी कर दी इन्होंने। तो अब इनकी ऐसी तैसी तो करना मेरा मतलब एक अलग ही जुनून सवार था मेरे सिर के ऊपर। यहाँ पे मेरा टीममेट कहता है उसको लूटने दो, बट हमें नहीं पता था वहाँ पे एक और अलग स्क्वाड का बंदा भी वहाँ पे कैंप या लेटा पड़ा है, तो उस बेचारे को मतलब मेरी किल बिल्कुल गलती से चली। और यहाँ पे मैंने अपने टीममेट को पूरा बेट बनाया, मेरे को दिख चुका था वो, बट मैंने सोचा वो जब उसका एम मेरे पे नहीं होगा मैं तभी लपेटूंगा, वरना मेरे को मतलब अलग ही अंदाज़ा लग जाता है कि हाँ वरना वो ले लेगा। बट भाई जैसे ही हमने यहाँ पे मतलब अपने टीममेट्स को रिवाइव किया, लूट मैं करने ही गया, तभी एक देखो ले बेटा पट से कार 98 का ऐसा सोटा कि मेरे टीममेट को लगा, और भाई मैं तभी वो बंदे क्लोज इन भी कर गए उनमें से एक बंदा। तो मैं अपने टीममेट्स को कहता हूँ इधर है बंदा आओ जल्दी से, वरना भाई ये मेरी मेरे को मार देगा। बट इस बेचारे की मेरे को एक गोली भी टसनी, और इसका बंदा इसको बचाने अपनी गड्डी लेके आता है। बट पता नहीं कैसे ना कैसे करके वो यहाँ से वापस भाग गया। तभी मैं अपने यहाँ पे गाड़ी हमें मतलब ये कौन सी गाड़ी है इसका मेरे को नाम नहीं पता, बिकॉज आई मतलब मैं मेरा मजा नहीं मिलता। मार रहे हैं बूट, अब मार दिया करने के लिए और फेवर इसका इंजन ही बेकार है भाई, ठोक मत देना बता रहा है। ये वैसे गाड़ी वो है जो अपने मतलब पुरानी फिल्मों में वैन नहीं होती थी, मतलब किडनैपिंग के लिए बेस्ट वैन वो वाली उस टाइप की दिख रही थी। बट हमने भाई इसको थोड़ा सा आगे आके छोड़ दिया, मैंने कहा भाई इसका कोई फायदा नहीं है, पैदल भाग लो बच सकना है तो, मतलब जिंदगी पैरी है। बट वो बंदे जो थे वो हमारा पीछा नहीं छोड़ने को मजबूर थे, वो हमारे लेफ्ट राइट आके आ रहे थे और मेरे को फिर दिख गए वो। हल्का सा रुक जा।
और भाई यहाँ पे इस बंदों को मारने के बाद अलग ही सेटिस्फेक्शन सा मिल गया था, बिकॉज भाई ये बंदे इतने, मतलब इन्होंने इतना पीछा किया ना, मैंने बीच की क्लिप्स कट कर दी भाई, इन्होंने लेफ्ट राइट हमको दुखी कर लिया था, मतलब बिल्कुल परेशान नहीं कहते, बट एट द एंड जब ये मरे तब भाई अलग ही खुशी का एहसास हुआ और हम जोन की तरफ भागे, बिकॉज पैदल थे, हमारे पास गाड़ी नहीं थी और बंदा इन कंपाउंड से निकल के भागा, तो मैंने टीममेट को कहा एनिमीज हेड। और ये गेम गाइज पूरा एम असिस्ट ऑफ, मतलब मैं सीजन एंड में एम असिस्ट ऑफ पे खेलता हूँ, बिकॉज थोड़ा बेटर एम करने के लिए नेक्स्ट सीजन के लिए स्टार्टिंग से ही प्रैक्टिस करना बेस्ट रहता है, तो आप भी करो बहुत अच्छा रहेगा, बिकॉज इससे एम बहुत अच्छा हो जाता है। और यहाँ पे एक ड्रॉप भी था तो मैंने आसानी से इस ड्रॉप को लूटा पहले, तो इससे मेरे को M249 अच्छी गन मिल गई। और मेरे टीममेट बताते हैं इधर एक बंदा दिखा हमको, तो मैं कहा रुको भाई हमारे पास है M249, और जब M249 प्लस 6x होता है ना तो बंदे को सोचने की जरूरत नहीं होती है, बस एम लगाओ और धेड़ पैड़ सबको ख़त्म कर दो, मतलब जड़ से। और यहाँ पे भाई फिर वही बात, अब हमको वापस जोन के अंदर भागना था, नो गन्स नो एम, मतलब नो गन्स एमो नहीं, नो गड्डी नो पेट्रोल, ऐसा कुछ सीन था हमारे पास। तो हमने जोन का पूरा मतलब सहारा लेके जोन की तरफ भागे और इन कंपाउंड में आते हैं, और भाई ऊपर से एक रिज से बंदा क्या ही सोट देता है ना, मिनी के टैप 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 टैप, और इसको भाई लेवल 3 था, वरना इसका हेड शॉट ऐसा लगा था ना इस बंदे को कि भाई ये मतलब हेड पैड नॉक ही ख़त्म ही हो जाता शायद इसको दूसरा शॉट मार के। बट ये भाई काफ़ी दूर थे थोड़ी सी रीच का, इनके पास एडवांटेज था, और ये भाई ओक की एक ऐसी स्प्रे भरते हैं ना, मैं समझ गया भाई ये बंदे नॉर्मल नहीं है, आम बंदे नहीं है, काफ़ी तकड़े वाले बंदे हैं। ये पूरी रिज का फ़ायदा लेके, मतलब उनकी तरफ भी जोन था हमारी तरफ भी जोन था, तो ये पूरा पूरा इन्होंने फ़ायदा उठाया धीरे धीरे, कभी एक नोक एक पिक करा, कभी दूसरा पिक करा, बट तभी मेरे को नीचे बंदे दिखते हैं, मेरे को भी तो नीचे वालों की पता नहीं कैंपिंग स्किल्स अलग ही लेवल की थी। और नीचे वाले को एक को तो मैं जड़ से ख़त्म ही कर देता हूँ, बट बाद में पता चलता है यहाँ तो 3-4 बंदे कैंप कर रहे हैं अलग अलग गन, कोई MK चला रहा है, कोई सकारल चला रहा है, पता नहीं क्या ही सीन चल रहे थे नीचे वालों के, मतलब यहाँ पे 4-5 बंदे कैंप कर रहे हैं। और भाई पहले तो मतलब मेरे को पहले नहीं पता था, अभी पता चला कि यहाँ पे 3-4 बंदे कैंप कर रहे हैं, पहले एक दिखा फिर दो फिर तीन, सिर निकल लेना, और मैं एक और नॉकआउट कर देता हूँ, और फिर भाई ख़त्म करने की पूरी पूरी कोशिश थी बट नहीं हो पाया। बट तभी मेरे टीममेट एक गलती करते हैं, उनको ये पता चल गया पीछे बंदे हैं, और भाई हमारी स्क्वाड का बस एक ही सीन है, जब पता हो ना बंदे घुस जाओ अंधा देखे बिना कुछ सोचे समझे, और सामने वालों को छोड़ दिया उन्होंने जो उनसे फाइट ले रहे थे, उनका मतलब डट के सामना कर रहे थे, उसका अब कुछ लेना देना नहीं था, घुस गए और नॉकआउट भी हो गए दोनों के दोनों बिना बताए। मैं भाई ऐसा तो नहीं होता यार, मतलब बिना बताए तुम घुस जाओ, सामने वालों को छोड़ ही दिया, पीछे वालों को देखो, जोन हमारे बिल्कुल पास में था, मतलब थोड़ा सा आगे पीछे होते जोन में पहुंच जाते, ऐसी कोई समस्या वाली बात नहीं थी। और तब भाई मेरे से भी गलती होनी थी, नॉर्मल सी बात है, टीममेट नॉकआउट पड़े हों ख़त्म हो गए और मैं इस साइड गया तो बंदों ने क्लोजिंग कर दिया, तब तक पीछे वालों ने पूरा, और भाई इन्होंने बेट बनने की ट्राई करके और मेरे को आराम से धर दिया। बट गेम काफ़ी अच्छा था, मेरा मैं ज़्यादा खेलते नहीं यार, बिकॉज रेंगल आपको पता है सबका ही रेंगल फेवरेट है, अभी मैं कम्पिटिटिव वगैरह का अपना कोई सीन नहीं है, तो हम इतने ज़्यादा मैप्स नहीं ट्राई करते, स्किल्स बना रहे हैं धीरे 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 बन रही हैं। तो कैसा लगा गेम प्ले कमेंट्स में ज़रूर बताना, अच्छा लगाओ लाइक शेयर सब्सक्राइब, कोई गलती या कुछ भी लगाओ सब कुछ आप बता सकते हो। तो मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद जय भारत।